हो गई, किस कदर बुरी कंडीशन में आगे बैठा है कबूतर, कितना थका हुआ है ये देखो। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये आ गया कबूतर जो ऊपर बैठा हुआ था, बहुत थका हुआ कबूतर है। तो पहले इसको पकड़ लें तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं आगे की वीडियो। तो ये कबूतर देख सकते हो दोस्तों, उतरा है ये, मैंने एक बाहर निकाला था अपना कबूतर, तो उसके पीछे एक कबूतर उतरा है। तो मैं इसको धीरे धीरे पिंजरे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पिंजरे में चला जाए। बहुत भूखा कबूतर, टैडी कबूतर है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आओ 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 आओ, ये पिंजरे में एंटर हो गया, लेकिन मेरे हाथ में चाय का कप है तो ये पकड़ लिया। ठीक है, तो माशाल्लाह दोस्तों ये वो कबूतर है जो अभी हमने पकड़ा है। ठीक है, तो ये खुद ही आया है और बहुत थका हुआ कबूतर था, बहुत बुरी कंडीशन में। सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक कराऊँगा। तो ये ठीक हो गया, तो ये इसकी आँख है। ठीक है, ये आप देखो, तो ये माशाल्लाह आँख भी बहुत अच्छी है कबूतर की, बिल्कुल यानी कि किसी का बहुत परवाजी कबूतर है ये, उससे निकला और ये घर भटक गया। हो सकता है कि रात रह गया हो ऊपर और घर ना पहुँच सका हो। तो यकीन जानो कि जब आके बैठा कबूतर तो बहुत ही बुरी हालत में था ये कबूतर। ठीक है, और फुल परवाज करके ये कबूतर अपनी पूरी परवाज करके बैठा है। ठीक है, और ये अच्छा कबूतर है, टैडी कबूतर है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसे आवाज़ लगाई, जिस तरह करते हैं ना आओ आओ करके, मैंने इसको आवाज़ लगाई तो ये आवाज़ सुनने लग गया। तो मुझे लगा कि यार ये उतर ही आएगा जिस तरह ऊपर आके बैठा है। तो ये इसकी दुम है, ठीक है, बंद दुम का, और सेंटर में इसका बिल्कुल पत्ता है। ठीक है, तो ये इसके पंजे हैं। ठीक है, तो इसने कड़ी भी पहनी हुई है। अब जिस भाई का कबूतर हो, अगर वो रब्ता करे मुझसे और नंबर बताए, तो इंशाल्लाह उसे एक कबूतर मैं दे दूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी बहुत से कबूतर हैं। तो ये कबूतर है, तो ये इसका पर देखो आप, ज़बरदस्त कुंदा इसे लगा हुआ है, बड़ी बगल का कबूतर है, पट्टी लगती है मुझे, कबूतरी लगती है ये। ठीक है, तो ये मादा है। तो ये इसके बाहर के पर देखो, नवी बाहर को है, ये मुकम्मल कुंदे का शौक करो, बहुत अच्छा कबूतर है और मादी कबूतरी है। अगर कोई आ गया तो उसे दे देंगे, नहीं आया तो फिर इसे हम अपने जोड़ों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखो कि इसके पर बिल्कुल ही शानदार पर हैं, इसके बहुत ज़बरदस्त पर हैं, ये देखो, कहीं से कोई गैप नहीं बनता, बड़ी बगल है। ये देख सकते हो कि परवाजी पहला पर है उससे, यानी कि ये बगल की पर हाइट में ज़्यादा है, तो ये बड़ी बगल है। ठीक है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लेंथ, ये देखो कि कहाँ तक ये बगल जा रही है। ठीक है, तो ये इसके मुकम्मल कुंदे का शौक करो, और बहुत कमज़ोर हुआ हुआ है बिल्कुल, यानी कि आप देख सकते हो कि हड्डी निकली हुई है, ज़ोर मारता है, जिस तरह कबूतर सूख के नहीं बैठता ये उसी तरह बिल्कुल सूखा हुआ है। पहले तो बहुत बुरी कंडीशन में था, अभी माशाल्लाह इसने दाना वगैरह खाया है, पानी वगैरह पिया है, देखो पोट इसने भर ली है, नहीं तो ये बिल्कुल कागज़ हुआ हुआ था कबूतर। ठीक है, तो ये माशाल्लाह अभी अच्छी कंडीशन में आ चुका है, थोड़ा सा इसने पानी वगैरह पिया है तो दाना वगैरह खाया है, तो इसने जिस्म थोड़ा मतलब सेट कर लिया। पहले मैंने जब पकड़ा इसे तो ये बिल्कुल खाली हुआ हुआ था। तो ये कश्ती नुमा हड्डी है इसकी, ठीक है दोस्तों, और जोड़ इसके तंग है। ठीक है, और हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला एक उंगल का है। तो ये कबूतर है, मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर कबूतर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और जिस तरह मैंने कहा है कि जिस भाई का हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। तो ये अभी मैं जो नंबर आपको दूंगा, ये मेरा इमारात का नंबर है। ठीक है, 052, ये मेरा नंबर है 052, और नंबर याद नहीं हो रहा, चलो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, क्योंकि अभी नया नंबर लिया है, मुझे नंबर खुद भूल जाता है। तो स्क्रीन पे आ जाएगा मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझसे रब्ता करके ले सकता है, जिस भाई का भी हो। ठीक है, तो मैं अजमान में हूँ, दुबई अजमान, ठीक है, UAE में अजमान में हूँ। ठीक है।